ये है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हंटिंग गैदरिंग से लेकर फूड तक पहले फूड ढूंढ ढूंढ़ के खाते थे फिर फसलें उगाना शुरू कर दिया और सेटल लाइफ जीने लगे तो हंटिंग गैदरिंग हंटर और गैदर जो थे मूव मूव करते फ्रॉम प्लेस टू तो प्लेस क्यों हंटर मतलब जो उसे मारते जो एनिमल को मार के अपना वो फूड का इंतजाम करते थे मतलब घूम फिर के अब लोग फूड का रहने का इंतजाम करते थे ये हंटर कैदर जब तक सेटल लाइफ की शुरुआत नहीं हुई थी सेटल लाइफ मतलब एक जगह रहने की शुरुआत तब तक नहीं हुई थी ये जगह जगह पर घूमते और वहाँ से जो भी सामान खाने पीने का होता तो खाते पीते और कुछ टाइम रहते फिर वहाँ सामान ख़त्म हो जाता था तो फिर तो दूसरी जगह मूव कर जाते तो हंटर कैदर मूव करते थे वन प्लेस टू अदर क्यों क्योंकि इफ़ स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम अगर एक जगह बहुत लंबे टाइम तक वो रहेंगे तो वो सारा सामान तो खा चुके होंगे वहाँ का जो फल फ्रूट जो भी थे और लोग प्लांट या एनिमल जो भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और उन्हें उस फसलें उगाना तब तक आता नहीं था इसलिए वो मोक करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस दे हंटेड एनिमल सो हंटर्स हैव द फॉलो देयर मूवमेंट मतलब वो एनिमल्स को मार के खाते थे तो एनिमल्स तो वहाँ आएंगे नहीं जहाँ वो है तो उन एनिमल की खोज करने में एक जगह से दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा तो, तो वो मूवमेंट होगा हो ही होगा प्लांट प्लान्ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीज़न हर प्लांट पे हर सीज़न में तो फ्रूट लगता है नहीं कुछ गर्मी में लगते हैं कुछ सर्दी में लगते हैं तो गर्मी में कहीं और रहेंगे जब वो फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे सर्दियों में कहीं और चले जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रूट का भी एक सीज़न है नोट ऑल रिवर आर पेरी बट सम आर सीजनल सारे रिवर्स में पानी ऐसा नहीं पूरे साल भर आ रहा है कुछ सीज़न में भी आता है जैसे कि बारिश के मौसम में कुछ रिवर में पानी आता है उसके बाद नहीं है उसमें पानी इसलिए उन्हें फिर उसकी पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता था तो हंटर गैदर मूव करते थे तो प्लेस टू प्लेस क्योंकि जो अगर एक जगह हो रहेंगे तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो फसल तब तक नहीं होगा थे फ्रूट और एनिमल्स पर डिपेंड थे तो फ्रूट एक सीज़न में लगते हैं और एनिमल्स के पीछे भागना पड़ेगा जाना पड़ेगा तो दूसरे जाना ही पड़ेगा और जो रिवर्स पानी है पानी का सोर्स रिवर थे तो रिवर में पानी हमेशा रहे जरूरी है तो नहीं है ना कुछ रिवर ऐसे एक सीजनल है इसलिए वो मूव करते थे एक प्लेस से टू प्लेस दूसरे अनदर प्लेस हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया पता कैसके जो उन्होंने टूल्स निकाले खोद खोद के तो ये एक टूल किस लिए यूज़ होता था ये टूल किस लिए उन्होंने उन्हें एक, एक वो लगाया कि हाँ ये मीट को काटने के लिए यूज होता था तो हमें पता लगा कि ये कैसे रहते थे पीपल चूज़ नेचुरल केव टू लिव वो रहते कहाँ तो उनके घर बनाने नहीं तो गुफाओ तो में रहते थे क्यों क्योंकि क्यों, 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 क्यों गुफाएँ जो केव थी वो प्रोवाइड करते थे शेल्टर किसी से रेन से बारिश हो रही तो उसके अंदर गुफा के अंदर घुस जाओ हीट बहुत गर्मी है तो भी एंड विंड है तो भी तो इसलिए वो वहाँ रहते थे ये चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड बारह हज़ार साल पहले देरवेयर मेजर चेंज हुए क्लाइमेट में और ग्रास जो ग्रास लैंड है वो बने मतलब घास के मैदान बने फिर जो फार्मिंग की शुरुआत उसके बाद शुरू हुई एंड हर्टिंग पहले क्या फसल उगाई गई व्हीट बारले और राइस पहले लोग उसे खाना सीख गए मतलब उसे पका के खाना सीख गए तो फार्मिंग शुरू हो गई कि उन्हें पता कि ये वीट है बार्ले और राइस है ये पका के खाए जा सकते हैं तो उन्होंने उस फसल को उगाना शुरू कर दिया पहला एनिमल जो भी पाला गया था वो था तो डॉग अपनी सेफ्टी के लिए ये सिर्फ साथ में ये स्टेप ट्री फिल इन द ब्लैंस हैं तो फंडर कैदर जो चूज करते थे टू लिव इन केव केव में क्यों रहते थे एंड रॉक सेल्टर में क्योंकि वो वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे प्रोटेक्ट दमसेल्व किससे वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर बैड वैदर जंगली जान जंगली जो जानवर थे उनसे खुद को बचाने के लिए गुफाओं में रहते थे और जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी गुफाओं में अपने तो गुफा तो प्रोटेक्शन के लिए वो रहते थे ग्रास लैंड डेवलप हो गई अराउंड बारह हज़ार साल पहले जो अर्ली पीपल थे वो पेंट पेंटेड ऑन द वॉल जो गुफाओं की दीवारों पे वो अपनी पेंटिंग बनाते थे तब उनसे पता लगा कि कैसे कैसे वो रहते थे इन हंगसाई टूल्स वेयर मेड ऑफ लाइम स्टोन हंडर गैदर लिव अराउंड टू मिलियन ईयर्स है हंटर हंडर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू तो प्लेस ऑन फूड मतलब पैदल ही जाते थे कुछ ऐसी सुविधा थी नहीं तब तो। टेक्निक यूज फॉर मेकिंग स्टोन टूल जो पहले हथियार थे वो इस पत्थरों के थे एंड स्टोन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग मतलब उसमें फिट करते थे स्टोन में ही स्टोन को फिट फिट करके वो बनाते थे फायर जो था वो सोर्स था किसका लाइट का आग क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज टू रिलेटिवली कंडीशन अराउंड बारह हज़ार साल पहले थोड़ा सा क्लाइमेट में चेंज आया और ग्रास लैंड बने फिर खेती शुरू हुई तो पहले वो ले थी कि फॉलोआउट पहले पहले पहले, पहले फिर मीजो लिथिक फिर नियोलिथिक तो पहले वाला सिक्वेंस पहले पहले वो ले कि उसे फॉलोआउट किया किसने मीजो लिथिक ने उसे फॉलोआउड किया नियोलिथिक ने टूल्स इन हंग से मेड अपटोन जो पहले जो टूल्स थे वो लैम स्टोन के बने हुए थे उसमें हंटर कैदर ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड जो हंटर कैदर मूव करते थे या ट्रेवल करते वन प्लेस टू अनदर किस की खोज में वाटर एंड फूड की खोज में फिशिंग डेवलप्ड ऑफ आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड ग्रास लैंड जो घास के मैदान डेवलप हो गए बारह हज़ार साल पहले उसके बाद फिश फिशिंग शुरू हुई थी मैंने ओल्ड पेंटिंग शो करती हैं वाइल्ड एनिमल जो पेंटिंग वो कई के, पे गुफा की दीवारों पर करते थे उनमें वो पेंट करते थे वाइल्ड जंगली जानवरों को गुफा के अंदर क्यों रहते थे जो जंगली जानवरों से बन बचने के लिए और बैड उधर से बचने के लिए द दीरियड फ्राम बारह हज़ार ईयर सेन से थाउजेंड ईर है तो उसे कहते हैं मीजोलिथिक एज बारह हज़ार से लेकर दस हज़ार तक होगी गई एज ऐज पहलेक् साइट सेंट्रल इंडिया में टिक्का न्यूलिथिक साइट है बुढ़ वे ऑफ लाइफ इसमें प्लांट ए सीड उसे उन्हें टाइम टू ग्रो कुछ दिन भी लग सकते कुछ हफ्ते भी लगते हैं कुछ मंथ भी लग सकते हैं इसका मतलब ये है कि उन्हें उस जगह रहना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टाइम जब तक वो सीड ग्रो ना हो जाए और उसमें ग्रेन ना आ जाए और उस ग्रेन को स्टोर कर देते हैं एज ए फूड और नेक्स्ट टाइम सीड के लिए तो ये दोनों ने एक सेट लाइफ की शुरुआत यहाँ से हुई तो उन्होंने पता किया कि ये चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं तो वहाँ से उन्होंने उन्हें बोना शुरू किया तो उन्हें उसमें फिर टाइम लगता था तो उन्होंने वहाँ पर उस प्लेस पर रहना शुरू किया तब तक वो, वो जाए प्रॉपरली उससे सीड लेके ले स्टोर करना शुरू कर दिया उन्होंने तो शुरुआत किस चीज़ से हुई राइस व्हीट एंड लेंटल्स पहले वोली का मतलब अर्ली पीरियड पहले मतलब ओल्ड लिथिक मतलब स्टोन पैलोलिथिक पीरियड का कहाँ से कहाँ तक दो मिलियन साल से लेकर बारह हज़ार साल पहले तक का पैलोलिथिक पीरियड है पैरोलिथिक में तीन डिवीजन कर सकते हैं लोअर मिडिल एंड अपर पैरोथिक मीजोलिथिक पीरियड है बारह हज़ार साल से लेकर दस हज़ार साल तक स्टोन इस टूल इसमें फाइंड इसमें स्टोन टूल यूज होते न्योलिथिक पीरियड है दस हज़ार साल पहले से पैलोलिथिक मीजोलिथिक न्योलिथिक पैलोलिथिक पीरियड बहुत पहले से है दो मिलियन से साल, साल से लेकर बारह हज़ार साल तक मीजो बारह हज़ार साल से लेकर दस हज़ार साल तक